या तो घर आऊं और व्यू पॉइंट नहीं आऊं, गुंजूं व्यू पॉइंट, वैसे तो नहीं हो सकता है, तो मैं भी आ गई हूँ व्यू पॉइंट में। लास्ट टाइम जब आई थी तब तो हस्बैंड तो वन डे के लिए आया, शादी रिसेप्शन अटेंड किया, नेक्स्ट डे चला गया, लेकिन मैं तो मेरा फैमिली मतलब सिस्टर इन लॉज के साथ आए थे घूमने, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, यहाँ का इन्वायरमेंट, लैंडस्केप बोलो, माउंटेन, अभी तो सनसेट हो चुका है, हम लोग आते आते थोड़ा लेट हो गया, फिर भी कोई नहीं, तो बहुत रिलैक्स फील होता है टाउन में, वो कोई भी टाउन तो बहुत गाड़ी का शोर शराबा, फिर सब कुछ भी, टाउन का लिविंग स्टाइल अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, विलेज का अलग है, एक रिफ्रेश फील होता है, जितना टाउन में रहती हूँ एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, वो घर में आके पूरा रिलैक्स फील करती हूँ, तो बहुत फील अच्छा फील हो रहा है। हस्बैंड को कैसा लगा? हस्बैंड वैसे तो हस्बैंड कैमरा पीछे है, बोलो। बढ़िया बढ़िया। वैसे मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही विलेज में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर भी नेचर ऑफ जॉब ही वैसा है कि रहने को नहीं मिलता, और यहाँ पे उसका जो पोस्ट है वो यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज तो शायद पॉसिबल होने से तो हम लोग यहीं पर रहते, फिर भी कोई नहीं, फ्यूचर में देखा जाएगा, फिर भी जितना हो सके हम लोग आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ का ज़िंदगी को बहुत मिस करते हैं जब हम लोग करीमगंज में होते हैं। तो व्यू तो अभी शाम हो गए बोल के ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऊपर में ही अभी सिरी का ऊपर में ही मेन रोड है, और जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पे पार्क है, इसका ऊपर में जाके पार्क है। तो ये तो वेटिंग शेड, बारिश वारिश होने से यहाँ पे आराम से बैठ के भी इंजॉय कर पाएंगे यहाँ का व्यू को। और तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है ना हस्बैंड? ओ हस्बैंड, और हमारा घर से, एक्चुअली हमारा घर से थोड़ा दूर में गिरता है, इसलिए कभी अकेले आना होने से भी नहीं आ पाते, और अभी यहाँ से जाऊँगी दोस्त के घर, इनविटेशन आया है तो अभी शाम को बुलाया है, मतलब बहुत बार देखा है वीडियो में, आज फिर से आप सभी को देखने को मिलेंगे। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे, मतलब मैं सोच रही थी सैटरडे इवनिंग नहीं तो संडे को जाऊंगी, लेकिन दोपहर को फ़ोन करके बुलाया आज से ही आ जाओ बोल के, तो अभी जा रही हूँ, तो ऑन द वे ये व्यू पॉइंट आता है, इसलिए यहाँ पे रुक के जा रही हूँ, है ना हस्बैंड? व्यू का भी इंजॉय, यहाँ व्यू पॉइंट का भी फ़ायदा उठा लिया, और यहाँ से अभी जाऊँगी दोस्त के घर। दोस्त के घर आके पहुंच गई हूँ, और आप सभी को अंदाज़ा लग ही गया होगा किसके घर आई हूँ। यहाँ पे मैडम पढ़ा रही है अपना बेटा बेटी को, इतना सारा देखिए बेटा बेटी है मैडम का, आई रे आई भी नहीं छोड़ रही, गला खराब उड़ गया उसका गला। तो आके पहुंच गई हूँ नवनीता के घर, घर आऊं और यहाँ दोस्त के घर ना आए वैसे तो नहीं हो सकता है, तो मैं आ गई हूँ अपना मुंह उठा के घर में, और उसका तो गला सब उड़ गया है, और ट्यूशन खत्म होने वाली है वैसे, उस हिसाब से ही आई हूँ हम लोग भी, तो अभी बैठूंगी, उसका भी ट्यूशन खत्म हो जाएगा। हेलो, आने लोगों ने नुआ फायदा बेटा जा जोखा उसका आने पिंचते भाई गया उसका बड़ी ने सेकंड टाइम ना और ऐसा कर दो लोग लाइट और डेल लोगों ने नोबरा ला जामा नंग तो लंग से माँ पढ़ा रही है ट्यूशन, आते ही गोद में ले लिया है बेबी को, और अभी बहुत गर्मी है, बेबी लोग के बोल के और ज्यादा गर्म है। अच्छा उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कल बोले वैक्सीन लिया पोलियो का, जिसकी वजह से थोड़ा फीवर फीवर है बेबी का, और उसकी मम्मी का भी ट्यूशन ओवर होने वाली है, काफी दिनों के बाद मिलकर फिर अच्छा लगा, लास्ट मंथ को मिली थी अप्रैल को, और अभी काफी बड़ा हो गया है, लास्ट मंथ जब आई थी उससे अभी काफी बड़ा हो गया है। डिनर बन के रेडी हो गया है, और दोनों का हस्बैंड तो बिजी है इसमें और इसमें, क्रिकेट में बिजी है, क्रिकेट देख रहा है,
ऐसा लग रहा है मतलब शादी के बाद नहीं, नवेली दुल्हन जब होता है ना, अपना रिलेटिव्स इनवाइट करते हैं खाने पे या घूमने आओ ऐसा, तब इतना सारा आइटम बनाते हैं, वैसा टाइप का फील हो रहा है। वैसे तो मेरा शादी को 2 साल हो चुका है और पहले ही मैं आके खाना भी खा लिया है, आइटम बना लिया। और हम लोग ने जो मीट लाया, मैंने मना कर दिया ना वनीता को, यहाँ पर है पोर्क को बनाया है राइस फ्लोर के साथ, ये राइस फ्लोर के साथ बनाया है। और ये है फिश, मेनली नवनीता ने मुझे बुलाया ये फिश खाने के लिए, ये फिश। यहाँ है बेमुशक का चटनी, यहाँ है मिंट हमारे उसका चटनी, और यहाँ है सलाद। और तो अभी मैं खाऊंगी, खाना खा लूंगी, वो लोग तो बैठा है, लेकिन मैं सोचा मैं पहले खा लेती हूँ और वेट नहीं कर पाऊंगी इतना ज़्यादा। वैसे भी नवनीता बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनाते हैं, तो पहले खा लूंगी बाहर में जाए हस्बैंड। इतना ज़्यादा ये पोर्क का जो राइस फ्लोर के साथ बनाया पसंद आया, लेकर खा रहा है। सभी एक साथ अभी बैठ के खा रही हूँ, नवनीता ने भी ले लिया। हाँ। मैं तो पहले ही खाना शुरू कर दिया, पता नहीं इन लोगों को खाना कैसा लगा, मैं नहीं जानती। क्या क्या बोला जल्दी पहले बोल दो, आप ही बताओ का हिंदी में बोल दो। फिश भी टेस्टी हुआ, क्योंकि मुझे तो पहले से पता वो अच्छी खाना बनाती है। हस्बैंड आज पहली बार खा रहा है, उसका हाथ का मैंने तो हाँ बिफोर मैरिज भी आफ्टर मैरिज भी मैंने तो बहुत बार खाया है, लेकिन हस्बैंड आज पहला बार खाया है उसका हाथ का खाना, इसलिए बोला। तो अभी खाना खाएंगे। बहुत अच्छा लगा, आप लोग जो आया हम लोगों को भी अच्छा लगा, हस्बैंड को तो और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि पैसा वसूल। तो क्या की गाइस, मेरा गला खोया हुआ है, घूमने चला गया है उसका गला, चला गया, सर्दी भी नहीं हुआ उतना, मुझे गांव में चला गया, मेरा आवाज नहीं है, माइका चला गया, ट्राई कर रही हूं माइका। तो क्या हुआ, मैंने सुबह मैंने रील्स देखा, तो मेरी फ्रेंड आई हुई है गुंजुम, मैंने देखा, लेकिन मैंने पहले बोला तुमको मैं आऊंगी बोल के, तो मैं भी आजकल इतना बिजी रहती हूँ ना, तो सब बातें मुझे याद नहीं रहती है, तो अचानक देखा आ रही है तो गुंजुम में है। मैंने सोचा चलो मैं इसको आज डिनर के लिए मैं इन्वाइट कर लूंगी, साथ साथ मैंने कॉल किया, पूछा तुम आए हो क्या, बोला हाँ ऐसे ऐसे, तो मैंने आज सीधा आ जाओ, शाम होते ही आ जाना बोला। हाँ, मैं संडे को आने वाली थी। हाँ, वैसे इनका प्लानिंग था, बोला कि वो संडे को आएंगे। कैसा सुन रहा होगा मेरा आवाज, पता नहीं, सेक्सी लग रहा होगा। बहुत जोर जोर से बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रही है। और बेबी को यहाँ सुला के रख दिया है, और माँ पापा यहाँ खाने में बिजी। हाँ। सो मैंने इन्वाइट किया और ये लोग आया, सो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू हमें डिनर ट्रीट देने के लिए। तो अभी जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि फैन चल रहा है तो ठंडा हो जाता है। खाना खा के खत्म, हम लोग आने के टाइम तो बोले थे 8:30 तक हम लोग रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन कहाँ आम ही नहीं, और दोनों लगा हुआ है यहाँ पे टीवी में, और सभी का प्लेट नीट एंड क्लीन खत्म, मतलब नवनीता इतना अच्छा सब्जी बनाया, सभी का प्लेट पूरा खाली, सब्जी भी ऑलमोस्ट खाली होने वाले है, थोड़ा थोड़ा रह गया, अभी तो खा लिया, पेट पूजा हो गया और अभी भागना है। मैंने कहा, बोला था से आज रुक जाओ एक रात, मगर ये लोग नहीं सुन रही है, रिटर्न होना है, घर जाना है बोला, तो ठीक है अपना घर में, बहुत दिन बाद आया ना वो लोग, वही मेन बात है कि हम लोग खुद ही 4 डेज के लिए आए हैं, इसलिए मैंने भी उतना फोर्स नहीं किया, तो सिर्फ डिनर के लिए। फिर एक दिन एक बार में ज्यादा रह लेने से नेक्स्ट टाइम में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा ना, इसलिए नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। अब ऐसा कुछ बात नहीं है, एक्चुअली हम लोग 4 डेज के लिए आए हैं, तो इसलिए मम्मी पापा के साथ भी रहने का मन है, फिर भी कोई नहीं, आते जाते तो रहेंगे, पास में ही है, अभी वो नहीं जा पा रही है बोल के हम लोग आए है, अगर बेबी थोड़ा बड़ा हो जाने से तो वही शायद चले जाते ना घूमने। वैसे आज एक सीक्रेट व्यूअर्स थे, जैसे हम दोनों ने पहले बोला था कि हम दोनों शादी करेंगे तो एक एरिया में, एक एरिया में ही करेंगे बोला, तो भगवान ने शायद तब शायद हमारे मुंह में सरस्वती माँ बैठी होंगे, ऐसा सुन लिया होगा, तो इसलिए आज सामने वाला गांव में ही दोनों का शादी हो गया, जब चाहे हम लोग आ जा सकते है। 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस होगा एक दोनों का घर।
कितना पिछले 7 किलोमीटर नहीं 5 टिपल आई व्यू पॉइंट पर 7 हो गया ना 7 किलोमीटर ठीक ही है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, आ जा सकते हैं। किसका तो कहाँ कहाँ होता है, वैसा तो नहीं है हमारा तो, और हाथ सूख गया है दोनों है। और तो अभी खाना खा लिया है, थूस लिया है, बर बर के हस्बैंड तो बोल रहे हैं नहीं हिल पा रहा है, हस्बैंड पेट मार रहा है। तो अभी चली जाऊँगी। नवनीता भी बेबी को गोद में ले लिया है, हस्बैंड भी बेबी का सामान समेट रहा है, और 10:10 हो गया है, काफ़ी लेट हो गया विलेज के हिसाब से। टाउन का होने से तो ठीक है, टाइम ज़्यादा रात नहीं हुआ है, लेकिन विलेज के लिए तो काफ़ी रात हो गया है। तो अभी निकल जाऊँगी और 20 मिनट लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, 15 मिनट से 20 मिनट, तो अभी चले जाऊँगी। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे बहुत कुछ महीने के बाद। घर घर पहुँच गई हूँ, 20 मिनट लग गया आते आते, और हाथ मुँह धो के कपड़ा भी चेंज कर लिया, नया नाइटी लगाया जो परसों लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा, मैंने नाइटी स्टिच करके लाया है दोनों बाबी के लिए एक एक और मेरे लिए एक, तो नया नाइटी लगाया आज सुबह धोया और अभी नया नया नाइटी लगा रही हूँ। हस्बैंड तो घुस गया बिस्तर में, हस्बैंड मॉस्किटो नेट भी वो कर दिया। हाँ यहाँ पे तो थोड़ा ठंडा है, इसलिए ब्लैंकेट भी लेना पड़ता है, और काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि दिन में मैंने चावल क्लीन किया था, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट हो गई हूँ, तो अभी सो जाऊँगी।